जो भी भक्त हैं वो सतयुग के नारायण सब भक्त हैं। उनमें ज्ञानी कोई नारायण है? ज्ञानी कोई नारायण नहीं है। उसमें अव्वल नंबर भक्त कौन हो गया? प्रश्न की सोल। तो उनको फिर उनकी उनकी फिर आकर्षण सेवाग्राम की ओर क्यों नहीं गई बाबा? इनकी कृष्ण वाली आत्मा जो है ही आधार मूर्त। बाबा अभी एक बात तो आया ना, वैसा बेसिकल ओम मंडली की कहानी चुनीराम चुगीराम जुबानी करके ऐसा कोई, वो सिर्फ कोर्ट में से नाम निकले हैं, कोई कहानी कुछ नहीं निकली है। लकी बाबू की बंगाली गुरु की जादुई सिर में से हम डरते थे, वो सिर्फ कोर्ट में से नाम निकले हैं। नाम उन नामों के आधार पर जिसने जिसने जो अनुभव सुना दिया वो बात निकली है। अभी तो असलियत बहुत निकलनी बाकी है ना। हाँ महाभारत में जो ये पता है पांडवों का भाई है, पांडवों का बड़ा भाई कर्ण, कर्ण की जन्म की बात 76 से लागू की जाएगी। सूर्यधोनी कुंती को कर्ण दिया था ना, है सूर्यधोनी कुंती को दिया था ना कर्ण, हाँ योग विद्या से, वो 76 की बात है। कैसे? उस टाइम में माता जो थी वो बाप के प्रति समर्पित नहीं थी ना, वो संत राशि में 13 होना चाहिए है, संत राशि में 13 बाबा की होती है ना, जगत माता होती है। उससे पहले जो बच्चे होते हैं वो कर्ण के रूप में, बुद्धियों की बात है ना, बुद्धियोग से प्रभावित होने की बात है ना। कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, कर्ण हो, राशि राशि एक ही है। तो जगदम्बा किससे प्रभावित होती है? कृष्ण से प्रभावित होती है। हाँ जी, कर्ण नष्ट देव भी निकलेंगे है, कर्ण जो है नष्ट देव हो सकते हैं। तो है ही, जो कौरव पार्टी की तरफ है तो जो कौरव हैं, यादव हैं, ये विनाशकारी हैं, ये नई दुनिया के निर्माणकारी हैं, विनाशकारी हैं। यज्ञ के आदि में धोबी घाट खुला था बाबा ने कहा, तो ये धोबी घाट कितने साल से? यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चलता चला आया है। तो इसका मतलब क्या है बाबा? क्योंकि बाबा ने एक और तरफ ये भी कहा है, धोबी घाट का मतलब समझाना पड़ेगा तुमको। बाबा ने ये भी कहा है कि अमरनाथ के बर्फ के लिंग के बारे में ये भी कहा है कि एक ब्राह्मण जो है अमृत वेला उठकर, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण छोकरा, हाँ छोकरा, हाँ जी, एक ब्राह्मण छोकरा है बर्फ का लिंग बनाता था अमृत वेला उठकर है, और छोकरा का अर्थ बाबा ने बताया गिरा हुआ है, दौड़े का, हाँ है। तो ये ब्राह्मण छोकरा है कौन? क्योंकि आदि में ज्ञान तो प्रजा पहले पहले शिवलिंग कौन बनाता है? रामबलिया तो वही छोकरा हो गई। अरे गुप्त रूप में पुरुषार्थ करके बर्फ का लिंग कौन बनाता है? याद में तुम्हारी सर्व कर्म इंद्रिया शीतल हो जावेंगी। लेकिन बाबा यज्ञ के आदि की बात अगर कही जाए तो यज्ञ के आदि में तो उतना ज्ञान था नहीं। आदि की बात कहाँ, ये तो मुरली जिस समय चल रही है, जिस समय मुरली चलती है उस समय की बात है, वो भी उस समय की भी बात नहीं है, क्योंकि मुरली तो बेबी के द्वारा चलाई गई, सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, फाउंडेशन क्या पड़ा भक्ति मार्ग का? असली फाउंडेशन कब पड़ता है? जब समझते हैं और समझाया जाता है तो ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है, उस समय की बात है। पुरुषार्थ ही तब शुरू होता है असली, जब समझना और समझाने का काम होता है।
भक्ति मार्ग में 63 जन्म गीता सुनते सुनाए थे ही तो आए। वो संस्कृत गीता के 108 से ऊपर टीकाएं हो सकती हैं, तो क्या उस गीता की टीका एडवांस ज्ञान के अनुसार नहीं हो सकती? यज्ञ के आदि में भी क्या पढ़ करके सुनाते थे? वो ही भक्ति मार्ग की गीता सुनाते थे, तो जो आदि में सो अंत में भी होगा। ज्ञान तो वो ही रहता है, लेकिन समझना और समझाना भक्ति मार्ग में नहीं होता, सिर्फ कन्नर ऐसा होता है। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में कनरस हुआ, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे बाबा? नहीं, जब समझाई नहीं, जो भी वाणी आई वो समझी, लेकिन अभी आधार तो उसी का लिया जाता है। अभी समझा है, अभी समझा है तो समझ को कहेंगे ज्ञान और बेसमझी को कहेंगे अज्ञान। उधर सुना, कितने लंबे टाइम तक सुना, लेकिन सुनते हुए भी अपनी आत्मा का पार्ट कोई नहीं जाना। बाप कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला मुकर्रर रथ कौन सा है वो कोई नहीं जाना। तो जब बाप का ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञानी कहेंगे अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हो गया। बाबा एक कुंडली में बोला है जब नौला की आत्मा अपने जड़े से जन्म को जान जाएगी तब तक तो नौला कहाँ से जान जाएंगी? अपने जो उसका तन होता है ना, है एक नौला का तो कोई प्रूफ ही नहीं है। हाँ, 4.5 लाख जिनमें प्रवेश होता है, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं, प्रवेश करके अपने जन्म को जानेंगे? हाँ, वो प्रवेश करके जानेंगे, लेकिन अधूरा जानेंगे, उनके जन्म ही कम हो जाएंगे। तब तो जन्म ले लेगा ऐसा बोले वहाँ, ठीक है, तो उस टाइम में नौला की आत्मा माउंट आबू में होगी या माउंट आबू में कृष्ण का जन्म होता है? नहीं, जन्म तो सचिव के अपने छोटी दुनिया में होगा। हाँ जी, सड़क का मॉडल बनता है उसमें। हाँ जी, तो जो आत्मा है माउंट आबू में तपस्या करके अपना जन्म जानेगी या बिल्कुल? आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्माओं को अपने जन्मों का ज्ञान होता है। जितना जितना आत्म की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, 8 घंटे प्रैक्टिस जिनकी पक्की पड़ती जाएगी, उनकी बीज रूप आत्मा कंप्लीट बीज जैसे बन गई, तो उनका मनन चिंतन मंथन उतना ही विस्तार में जाएगा। बीज में स्थिर होने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, या विस्तार में जाने में मेहनत करनी पड़ती है? बीज रूप स्टेज बनाने की मेहनत है, यही उल्टी सीढ़ी चढ़ने की बात है। विस्तार तो अपने आप होता रहता है। 76 के बाप की प्रत्यक्षता हुई तो बहुत, जो दीदी दादियों में निर्गुण शांता दादी बोलती मुझे हमें शंकर का साक्षात्कार हुआ है, जैसे शंकर का साक्षात्कार हुआ है तो झूठ थोड़ा ही बोलती होंगी निर्गुण शांता दादी। है सर, वो बात क्लियर नहीं करती मगर उन्होंने अनुभव में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी बाबा, निर्विकार अवस्था और निराकार अवस्था और विजय रूप अवस्था, इसको फर्क है? कहीं के लिए फर्क है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तीनों ही एक ही स्टेज है। निराकारी होगा तो साकार शरीर से निर्विकारी भी दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आवेगा कि और सब विकारी हैं और ये निर्विकारी है, और दुखदाई है इंद्रियों से और ये सुखदाई है। निराकारी माना ही निर्विकारी और निरहंकारी। देवान का नाम निशान रहो, नहीं तो जब देवान आता है अचानक
काम विकार का हमला होता है, एकांत वातावरण होता है। तो क्या वातावरण बनता है पुरुषों की ओर से, खासकर अहंकार, देह का अहंकार देखने में आता है या नहीं आता है? देखने में आता है, अनुभव में आता है। इसलिए बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। और सर्व संबंध केवल माता पिता और भाई बहन रहेंगे, माता पिता और भाई भाई बहन। हाँ, स्वर्ग में, स्वर्ग में सर्व संबंध की बात नहीं होती है। स्वर्ग के लिए बताया है जितनी ही श्रेष्ठ किस्म की नई दुनिया होगी उतने ही कम संबंध होंगे, और जितनी ही दुनिया भ्रष्ट होती जाएगी उतने ही संबंधों की जड़ी लगती जाएगी। तो बाबा यहाँ पर जो सर्व संबंध है, ये स्त्री और पुरुष के अलग अलग संबंध होते हैं। सब प्रकार के दुनिया में जो भी संबंध होते हैं, तो एक बाप के साथ स्त्री और पुरुष की जो अलग अलग संबंध है, ये सभी है नहीं समझ में, ये जो है सर्व संबंध की बात नहीं समझ में। क्यों नहीं समझ में आ रही बताओ? पुरुष और स्त्री चोली जो है, हाँ, बाप के संबंध जो है। आपको तो पहले ही पढ़ाई पढ़ा जाएगी कि आप अपन को आत्मा समझो, और ये भी पढ़ाई पढ़ाई गई कि आत्मा स्त्री जन्म में लेती है और पुरुष पार्टी भी बजाती है। अगर आत्म की स्थिति में है तो स्त्री पुरुष की बात स्त्री पुरुष के रूप में ही होनी चाहिए। वो कैसे? संकल्पों से यहां शूटिंग होती है या देह से शूटिंग होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। बाप को चाहे जिस रूप में देखो, अगर रामकृष्ण वाली आत्माएं संगम युग में स्त्री या पुरुष चोले के रूप में संकल्पों में अनुभव ही नहीं होंगी तो 63 जन्म उनके साथ संबंध बनेगा है? नहीं बनेगा। कोई ये कहे यहाँ संगम युग में तो रामकृष्ण वाली आत्माएं पुरुष चोले में, तो इनके साथ हमारा पत्नी का संबंध कैसे बनेगा, ये हमारी पत्नी कैसे बनेंगी? तो मतलब नहीं बनेंगी। अरे बनेंगी कि नहीं बनेंगी? कोई की कैसे बनेंगी? देह के, देह की एक्ट के आधार पर संकल्पों की शूटिंग होती है। बहुत से कुमार ऐसे छोड़ छोड़ के बैठ गए, किस बात को पकड़ गए कि बाप तो पुरुष रूप में आया हुआ है, हमें तो स्त्री चोला चाहिए संगी साथी के रूप में, तो हम संबंध का कैसे अनुभव करें? ये देवान का संकल्प है या आत्माभिमानी का संकल्प है? आत्माभिमानी का संकल्प है, देह अभिमानी का संकल्प हो गया। मांग लिया तो पानी, छीन लिया तो फूल। माना जबरदस्ती जो चीज ले ली, हठ पूर्वक ले ली, वो खींचना होता है। और स्वतः ही कोई चीज मिल गई, बिना मांगे मिल गई, वो दूध के समान है, सुखदाई है। और जिसे मांगना पड़ा, वाचा से पुरुषार्थ किया मांगने का, तो हिसाब किताब बनेगा कि नहीं मांगने का? भिखारी है, भीख मांगते हैं, भीख मांगने से उनको मिल जाता है, नहीं मांगते हैं
तो नहीं मिलता है, तो कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है या नहीं है? कोई से मिलता है और कोई से नहीं मिलता है। तो ये बात बताई कि सहज सहज स्वतः ही मिले, चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, और स्वतः ही कोई डाल जाए झोली में कि ईश्वरीय सेवा में लगा देना, और सच्चाई से वो ईश्वरीय सेवा में ही लगाता है। तो सहज मिले सो दूध सम हुआ या नहीं हुआ? और बेसिक नॉलेज की तरह मांग मांग के इकट्ठा कर लिया, तो क्या वो सुखरूपी फल देगा, दूध बनेगा? नहीं बनेगा। और जबरदस्ती खींच खांच के ले लिया, बेवकूफ बना के ले लिया, या चुरा के ले लिया, या जैसे डकैत डकैती डालते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, विश्वास करने वाला है, श्रद्धावान है, और स्टाम्प पेपर पर साइन करा लिया, अंगूठा लगवा लिया, कागज तैयार करा लिया कोर्ट में, तो इसे क्या कहेंगे? सहज मिला या मांग के मिला या डकैती डाली? डकैती डाली। वो संकल्पों का खून करेगा, प्रैक्टिकल दुनिया में भी खून करेगा, उस पैसे से नई दुनिया नहीं बन सकती। बाबा मनसा सेवा में ज्ञान और योग की मार्जिन कितनी होती है परसेंटेज? जो मनसा सेवा करते हैं ना, उसमें ज्ञान की और योग की परसेंटेज कितनी होती है? मनसा सेवा में भी देखा जाता है बाप की याद कितनी रही, तो जितनी बाप की याद है उतना ज्ञान युक्त है। बाप की याद में किसी को समझाएंगे, बाप के प्यार में रह करके समझाएंगे, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। अपने ही देहभान में रह करके समझाएंगे, भले मनसा सेवा है तो वाइब्रेशन कुछ और बन जाएगा। भारत स्वतंत्र होने के लिए गणेश की पूजा शुरू की है, इसका आप शूटिंग में क्या करने के लिए? भारत स्वतंत्र करने के लिए गणेश की पूजा शुरू की ना, ज्यादा संगठन बनाने के लिए, तो इसका शूटिंग यहाँ कैसे होता है? भारत स्वतंत्र रहने के लिए गणेश की पूजा की है, है लोकमान्य तिलक की बात है। तो यहाँ भारत को स्वतंत्र करने के लिए यहाँ शूटिंग कैसे होती है? हाँ तो यहाँ भी तो कोई बच्चे सहयोगी बनते होंगे ना, माँ बाप के, कथा भी तो दिखाई हुई है कि देवताओं से कहा कि सारी दुनिया की परिक्रमा लगा के आओ, तो किसने पहले लगा ली? अरे माँ बाप में ही सारी दुनिया समाई हुई है, माँ बाप न होते तो ये दुनिया कहाँ से आती? वो हद के माँ बाप हैं, और ये जन्म जन्मांतर के माँ बाप हैं। और पवित्रता के लिए तन मन धन, पवित्रता की डेफिनेशन जो तन मन धन के लिए अलग अलग कैसे होगा? जैसे तन के लिए बता एक के साथ संबंध पवित्र, बाकी तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए? मन में भी संकल्प आते हैं तो एक के लिए आए, अनेकों के लिए संकल्प क्यों बेविचार चले? वाचा से भी
रज रज के बातें करने में एक के साथ मजा आना चाहिए कि बहुतों के साथ मजा आना चाहिए? तो बाचा बेबिचारी कहेंगे कि अबेबिचारी कहेंगे? एक के साथ काना फूसी चले, औरों के साथ काना फूसी न चले। ऐसे ही कर्मण और धन के लिए बताया, संबंध संपर्क के लिए, शादी के लिए बताया। हाँ, मन से संबंध संपर्क भी जुड़ता है, फिर उसमें भी हिसाब बनता है। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। और धन पवित्र कैसे होगा? धन को कैसे पवित्र मन? जब एक में ही धन लगाएंगे तो पवित्र नहीं बनेगा, वो तो लगाने वाली बात है। वो पल ऐसे ही पवित्र बनेगा जब स्वाहा करेंगे। कमाने वाली बात है, कमाने वाली बात। हाँ, जो कमाते हैं वो कमाए भी ईश्वरीय नियम है। कोई सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कोई ऊंचे औहदे पर नौकरी कर रहे हैं, कोई ने आकर के पीछे पड़ के अपना उल्टा काम कराया, तो वो उल्टा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेने वाले और देने वाले का तो कल्याण हो जाएगा और बाकी जनरेशन का अकल्याण हो जाएगा। मान लो जिसने काम कराया उसने सच्चा काम कराया और खुश होकर के पैसा दे दिया बिना मांगे। आज की दुनिया तो झूठी है ना, तो झूठे फैसले भी तो हो जाते हैं, झूठे काम भी तो हो जाते हैं। लेकिन ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले ने सच्चा काम करके दे दिया और देने वाले ने बहुत खुश होकर के उनको दे दिया कुछ, तो वो सहज मिला या मांगने से मिला या खून होगा? वो सहज है। वैसे लेना चाहिए, वो देखना है कि न्यायुक्त तो वो लेने योग्य है या नहीं है। अगर न्यायुक्त तो लेने योग्य है और आपने उसका उल्टा काम कर दिया, पैसे नहीं लिए और उसके साथ अन्याय कर दिया, तो आपका भाग्य बनेगा नहीं बनेगा? पैसे लेने में कभी वो उससे भी कभी बढ़ के दूसरा भी कोई काम करवाने की बात सोचेगा तो वो आपको अकल नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो और वो पैसा ले लिया तो मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा। तो क्यों ले लिया पैसा आपने? नहीं, आपने अभी बताया ना कि वो क्या बताया कि अगर वो ले लिया आपने, ले लिया क्यों ले लिया? लेने से पहले ये सोचिए कि हम न्यायुक्त काम कर रहे हैं, अन्याय तो नहीं हो रहा है जनरेशन के साथ? काम वो है जो हमारा भी कल्याण हो और उसमें औरों का भी कल्याण हो। और बाबा तेरा सच्चा सौदा का संघर्ष कब तक चलेगा? जबरदस्त संघर्ष था। दो पार्टियां होती हैं, दो पार्टियों में कोई एक सच्चा होता है और कोई एक झूठा होता है। ऐसे तो सारी दुनिया में सारे झूठे हैं, लेकिन परसेंटेज में दोनों में कोई ज्यादा सच्चा होगा? जो ज्यादा सच्चा होगा वो विजयी हो जाएगा। उनका तो जबरदस्त चलता है, तुरंत तलवार लाठी लेके निकल जाते हो, थोड़ा सा भी कुछ होगा उनके में तुरंत एकदम हंगामा खड़ा कर देते हो। उसमें छोटी पार्टी कौन सी है और बड़ी पार्टी कौन सी है? तो जो छोटी पार्टी है फिर भी ताकत दिखा रही है तो उसमें सच्चाई ज्यादा होगी ना। हाँ जी, बाबा शंकर जी भारत लेकर जाता है विकराल रूप धारण कर, शंकर जी भारत लेकर जाता है विकराल रूप, क्या लेकर जाता है? भारत लेकर जाता है शिव की भारत, सब को बोले हिंदी जानते हैं। शिव की भारत जो बोला है शंकर शादी करने के लिए जाता है।
पार्वती के पास जाने के लिए सब रंगड़े लूलों के अंदर की पूरा भारत लेकर जाता है, तो शंकर जी भी विकराल रूप धारण करके रहता है। शंकर जी नहीं विकराल रूप धारण करते हैं, न महाभारत में कृष्ण को दिखाया है कि उन्होंने शस्त्र धारण किया या युद्ध किया। क्या कृष्ण का तो नाम ही रख दिया है, वो युद्ध नहीं करते। तो आप ये बताएं कि लास्ट तो जो बच्चे हैं वो नहीं रोक पाते अपने को, और उनको परमिशन मिल जाती है। क्या माँ की सुरक्षा करो, माँ की सुरक्षा के लिए न्याय करो। हाँ जी बाबा, सदगुरु निंदक और न पावे बोला, तो निंदा जो है वो 1% हो या 100% हो, वो हर जो भी है वो और न पावे की लिस्ट में है ना, माना वो संगमयुगी स्वर्ग में उसे ठोर नहीं मिलेगा। संगमयुगी स्वर्ग में 1% निंदा की है तो आने में 1% देरी होगी संगठन में, और 100% निंदा की है तो आने का सवाल ही नहीं। 50% निंदा की है और 50% प्रशंसा की स्टेज में रहा, महिमा की स्टेज में रहा, तो आधी स्थापना होने के बाद नंबर लग जाएगा। बाबा ये कई लोग जो है वो खुद अपनी बुद्धि को गलत रास्ते पे चला के निंदा करते हैं, और कई लोग किसी के बहकावे में आके निंदा करते हैं, तो दोनों का पद जो एक समान ही रहेगा। जो दूसरे से प्रभावित हो जाता है उसको प्रजा कहा जाता है, देवी बुद्धि कहा जाता है, और जो अपनी अकल चलाता है उसका पाप ज्यादा बनेगा। प्रभाव में जाते उनका उतना नहीं बनेगा। उतना क्यों बनेगा, वो अपनी बुद्धि तो है नहीं, अपनी अकल तो, जैसे आजकल माताएं हैं जो भी पार्टियां बाजियां निकल रही हैं उनमें माताएं ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं या भाई लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? माताएं ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं, सीधी सादी है, तो उनका पाप बनेगा? उनका उतना पाप नहीं बनेगा जितना समझाने वालों का बना है। बाबा झूठ तो दोस्त सच्चे की रखती नहीं है, मतलब कोई ऐसा धंधा ही नहीं रहा कि जो जिसमें सच बोले अगर काम। तभी तो बताया कि सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरी धंधे में लग जाओ तौबा तौबा करके। लेकिन करें तो करें क्या, बाल बच्चों को कैसे छोड़े हैं? है कोई भी लोकहित में धंधा करे थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। इनका केरला का धंधा तो बंद हो गया ना, इनकी केरला की दुकान थी। अरे इनकी क्या, सबकी बंद होने वाली है, अभी इनकी बंद हुई है तो आपको मजा आ रहा है। अपनी तो एक ही दुकान है अभी बाबा, है अपनी तो एक ही दुकान है बाबा की, अभी दुकान सुन में है ही नहीं। अच्छा जिसका सुन में दुकान है उनकी बात कर, अभी बैंक की दुकान चालू है कि नहीं? ना या ना नहीं कर रहे, मुंह फैला दिया। अच्छा और यमुना के कंटे पर जरूरी स्थापना हुई, यमुना यानी कि काली में जमुना के कंटे पर सर्वे की स्थापना हुई। हाँ? जमुना माना काली, यमुना माना काली, इसका पानी काला काला हो जाता है, उससे पहले सर्वे की बातें निकलेंगी। ये यमुना माना काली नदी तो है, लेकिन वो सहयोगी बनती है तब स्थापना होती है, या विरोधी की विरोधी रह जाती है तब स्थापना होती है? सहयोगी बनती है। कंठा माने किनारा, वो नजदीक होना चाहिए। इस्लाम धर्म वाले पहले मरेंगे कि दूसरे धर्म वाले पहले मरेंगे? इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्त आत्माएं हैं वो बेहद में पहले मरेंगी
या दूसरे धर्म की आत्माएं पहले जीते जी मरेंगी? हैं? इस्लाम धर्म की पहले मरेंगी, तो नजदीक कौन हुए? वो नजदीक हुए, तो उन्हीं के कंठे पे स्थापना होनी चाहिए। जो ऑर्डर करें और फटाक से काम करें। ऐसे भी देखा जाता है कि आंख बंद करके कौन से धर्म पे चलने वाले लोग हैं। धर्म की बात जहां आ जाती है वहां ऑर्डर हुआ और किया ये नहीं देखेंगे हमारा क्या अंजाम होगा। साकार में सब जावेंगे निराकारी स्टेज में या कोई कोई जावेंगे? कोई कोई जावेंगे, सब थोड़े ही जावेंगे। ऐसे यहाँ भी दो तरह के हैं। सबका एक समय नहीं होगा, अलग अलग समय होगा, जाने का टाइम भी अलग अलग, लेकिन मोस्टली इकट्ठे जावेंगे और आने का टाइम भी अलग अलग, उसमें बहुत अंतर पड़ जाएगा। लेकिन जिस क्रम से गए हैं उसी क्रम से वापस आना होगा। बैलेंस इज द ब्लेसिंग बोलता है बाबा। किस कारण इसके ला और लव का बैलेंस होना चाहिए। जैसे ईश्वरीय ज्ञान में कोई आत्माएं ला बहुत दिखाती हैं, लेकिन परिवार के प्रति प्यार उड़ा देती हैं, और कोई आत्माएं होती हैं ब्रह्मा बाबा की तरह पारिवारिक प्यार बहुत दिखावेंगी, लेकिन ला को जैसे जानती नहीं। तो बैलेंस होना चाहिए, ला का भी जानकार और लव का भी जानकार। मुरली में आया है चिकित्सा की तुम बच्चों को हर आत्मा के प्रति आदर देना चाहिए, क्योंकि तुम हो रॉयल बच्चे है ना, छोटे हो या बड़े हो हर एक को आदर के रूप से बात करना चाहिए उनके प्रति। लेकिन कई बच्चे हैं बाबा जो बच्चों के साथ ही नहीं लेकिन बाबा के साथ भी तीखी बातें करते हैं, आदर अनादर देकर बात करते हैं, मतलब आदर नहीं देते, तो वो आत्माएं भी क्या सदगुरु निंदक की लिस्ट में आएंगे? एक होता है गुरु निंदक और एक होता है सदगुरु निंदक। तो गुरु तो सब झूठे ही है। यहाँ तो जो मुहावरा बना हुआ है वो क्या है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, गुरु निंदक ठौर न पावे, ये थोड़े ही है। बाबा शिव बाबा ही गुरु बनता है, शिव बाबा ही सदगुरु बनता है। शिव बाबा गुरु नहीं बनता है। शिव बाबा को अगर हम गुरु कहें तो इसका मतलब हमने शिव बाबा को झूठा साबित कर दिया। गुरु है अनेक और सदगुरु है वो सदैव ही सत्य गुरु है। उन्हीं गुरुओं के साथ ही तो चुना जाएगा ना कि ये सत्य गुरु है। हाँ तो वो एक ही है, वो सत्य गुरु है, गुरु नहीं है। गुरु नहीं है हाँ। लेकिन गुरु के लिस्ट में ही आता है ना बाबा सदगुरु, सत्य गुरु। सत्य सत्य एक होता है और असत्य अनेक होते हैं।
अच्छा माना सिर्फ शिव को दो, इसलिए जो बात हो रही है वो बात करो। बात तुमने ये उठाई कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे, ओ तो उनको तो ठौर मिलता है ना, गुरुओं का ठौर मिलता है। वो इस्लाम धर्म में जावेगा तो वो भी इस्लाम धर्म में जावेगा, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा। लेकिन सदगुरु उसे ठौर देगा या नहीं? सदगुरु जो है सच्चा ठौर देगा या झूठा ठौर देगा? तो सच्चा ठौर तो जो नई दुनिया बनने वाली है वो ही है, जिसका शास्त्रों में गायन है बैकुंठ जन्नत पैराडाइज, वो सदगुरु की रचना है। और बाबा ने ये भी बोला है कि आगे चलकर बाप दादा कामी और क्रोधियों से मिलेंगे नहीं, तो आगे चलकर तो सदगुरु का पाठ बजने वाला है, तो कहाँ तक सहन करते रहेंगे? 70 साल हो गए बोलते बोलते समझाते समझाते, कि अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा? बता भी दिया आर प्यार और मार, अभी भी अव्यक्त बापा दादा आ रही लगा रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे। हाँ बाबा, मुरली में कहा है कि त्रिमूर्ति में शंकर के जगह शिव को बिठाना चाहिए, हैं? शंकर के जगह पे शिव को रखना चाहिए था, लेकिन शंकर को दिखा, शंकर की जगह शिव को रखना चाहिए ये नहीं बोला मुरली में, बोल्ड कर देते हो बात को। शंकर की जगह पर अगर मम्मा को रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता, क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम हुआ है वही चित्र हम रखेंगे कि मम्मा ही महाकाली का रूप धारण करती है और सबका संहार ज्ञान में से तितर बितर कर देती है सबको, तो समझाने में सहज हो जाता। एक हफ्ते के अंदर पढ़ा है कि त्रिमूर्ति में शंकर को दिखाया, उधर शिव दिखाना चाहिए था। शिव को कैसे दिखाएंगे, वो तो बिंदी है, वो ऊपर दिखाया तो है। एक माना शिव जो है ना तो वो शंकर के रूप में मतलब शंकर ही शिव बन जाता है, क्योंकि शिव कल्याणकारी है तो बिंदी कल्याण नहीं कर सकती है ना, जब वो शंकर में प्रवेश करेगी तो कल्याण होगा। बिना शिव के शंकर की कोई वैल्यू नहीं, शिव है तो कल्याणकारी है, नहीं तो 63 जन्म में कल्याणकारी बन जाता। कल्याणकारी बोलेंगे तो शंकर का चित्र आएगा ना, कल्याणकारी जब बोलेंगे तो हम तो शिव को देखेंगे, हम काहे के लिए शंकर को देखेंगे, हम नाम भी नहीं लेंगे कि शंकर हमें मुरली सुनाता है, कि शंकर हमारा कल्याण करता है, कि शंकर का हम संग करते हैं, हमें कौन दिखाई पड़े? शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, हाँ जी साकार में ही शिव बाबा। ब्रह्मा कुमारियों की भाषा, तुम अपनी भाषा जब तुम्हारे अंदर बदल जाएगा तो तुम्हारे बाहर भी बदल जाएगा, अभी तुम्हारा अंदर ही दिखाई पड़ता है कि तुम किसको देखते हो, साकार को देखते हो सिर्फ या निराकार को देखते हो या दोनों को देखते हो, तो बात बदल गई ना। फिर ब्रह्मा कुमारियां साकार में निराकार को कहाँ देखती है? और चार नृत्यदेव है, हर एक ग्रुप में ऐसा है कि चार, हर एक ग्रुप में ऐसा ही होगा, हर धर्म के टोटल विनाश का काम विरोध का काम करने वाले अलग, इस्लाम धर्म में बौद्ध धर्म में वहाँ भी होगा। अच्छा इस्लाम धर्म को बाबा जो व्यभिचारी दिखाया किसी को पसंद नहीं है, किसी को क्यों नहीं पसंद है, मुसलमानों को तो पसंद है। मुसलमान को छोड़ के बाकी जो और धर्म वाले जो है फिर भी बाबा ने उसको नजदीक रख दिया, बाबा सेकंड नंबर के बाबा, जो पहला विकार है उस विकार को क्षम्य करता है कि आखिरी विकार को क्षमा करता है? पहले विकार को बुरा नहीं मानता लेकिन आखिरी विकार को ये बुरा है। बाबा जो विकार है वो कर्म इंद्रियों के अधीन है इसलिए विकार है, और ज्ञान इंद्रियों के अधीन होगा तो वो आंखें लाल पीली नहीं होती है क्या? ज्ञान इंद्रियों
आंखें लाल पीली आपको अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती ना। वो अंत तक बिंदी को ही याद करता है क्या? फिर विजय माला के जो मणके हैं वो अंत में साकार में निराकार को याद नहीं करेंगे क्या? करेंगे, लेकिन प्योरिटी की पावर में ज्यादा रहे हैं इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। आदि से अंत तक पवित्रता का पालन किया है तो पवित्रता की पावर उनको आगे बढ़ा देगी। और उनकी पढ़ाई का आधार पवित्रता होगा क्या? प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों से जो बच्चे 70 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। आपको सुख चाहिए जीवन में 84 जन्मों में आपको सुख चाहिए या मान मर्तबा चाहिए? हिस्ट्री में महानता चाहिए तो सुख चाहिए तो वही रास्ता अच्छा है। बेसिक में भी एडवांस में भी जो बात एडवांस में होगी वही बेसिक में होगी। हाँ उनका क्या होगा बाप? क्या हाल होगा? एक बाप को धोखा जैसा होगा ना, पहला बाप को लिख के दिया फिर बाद में बेसिक में चली गई या कहीं विष्णु पार्टी में चली गई। वो सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे हैं या चंद्रवंशी सितारे हैं? है? सूर्यवंशी सितारे होते हैं वो सितारे सूर्य के सामने अपने को नाचीज समझते हैं, हम कुछ है नहीं। जैसे लौकिक में समझते हैं भारतवासी कि हम जिस माँ बाप की संतान है उनके मूत से पैदा हुए हम, बाप भी समझता है चल नाचीज नहीं तो मेरे सामने ऐसे करता है। हाँ तो वो कौन से वंश के हैं वो समझना चाहिए ना। विष्णु पार्टी का आदमी का हाथ पांव हम तोड़ देंगे बोलते हैं, अभी वो खुद ही चलेगा तो आप तोड़ देंगे? जिन्हें बाहुबल दिखाना है वो तो आबा नहीं दिखाएंगे तो तब दिखाएंगे। वो टाइम पे सतीश में क्या बोलता था विष्णु पार्टी को, कोई आदमी आया है तो बोले कोई विष्णु पार्टी का यहाँ आएगा तो हाथ पांव मैं तोड़ के रखूंगा। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहते? नहीं नहीं वो सतीश भाई बोलता था चले गए अभी और खुद ही अभी चले गए। चले गए तो वहां जाके हाथ पांव तोड़ देंगे। और बाबा जब कन्या विवाह करती है तो जो पति होता है उसका छाप जिंदगी भर के लिए रह जाता है। हाँ जी बाबा ने कहा, लेकिन वो जब माँ बन जाती है तो बच्चे का छाप इतना बढ़ जाता है कि वो पति को ही भूल जाती है और बच्चे को ही अपना सब कुछ समझ लेती है। हाँ? ये फिर छाप जो है पति का जो जिंदगी भर रहेगा ये छाप फिर अचानक उड़ कैसे गया? बच्चा बाप से सवाया होता है कि नहीं? बच्चा तो 9 महीने पेट में रहा, जो पति होता है वो 9 महीने पेट में रहा क्या? हाँ जी जो नंदुरबार से कौन कौन आए हुए हैं हाथ उठाना। भाइयों एक युगल आए हैं। आप? हाँ जी मलकापुर।
एक युगल जलगांव से एक दो अच्छा चालीस गांव से भी कोई है अच्छा अच्छा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ है चलो क्लास पूरा करते हैं बाबा हाँ जी बाबा कल आपने सुनाया त्रेता युग अंत तक पर 10 करोड़ देवता आते हैं फिर 23 करोड़ देवता कब आते 23 10 करोड़ त्रेता के अंत तक आते हैं बाकी 33 करोड़ में से बचे 23 करोड़ वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक आते रहेंगे अभी भी आ रहे हैं हाँ। हर धर्म की आत्माएं जब से धर्म की शुरुआत होती है स्थापना की तब से लेकर अंत तक जब तक दुनिया खलास न हो जावे तब तक आती ही रहेंगे क्योंकि हर धर्म को सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर जाना है जब सारी ही दुनिया तमो प्रधान बन जाती है चाहे कोई भी धर्म के हो जब तक सब तमो प्रधान न बने तब तक कोई भी नई दुनिया में जा नहीं सकते और ठीक है सब शांति धाम वासी है अनंतपुर वासी है
अनंतपुर का मतलब ही क्या है? जिसपुर का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा कौन सा लोक है जिसका अंत ही नहीं? परमधाम। तो परमधाम में तो कोई वार्तालाप आदि, कोई प्रश्न उत्तर की बात ही नहीं। ठीक बाबा। हाँ है कोई हिंदू के तीर्थ स्थान है? हिंदू के तीर्थ स्थान काशी है ना? काशी काशी तीर्थ स्थान। हिंदू मुस्लिम को मक्का है ना? फिर क्रिश्चियन कौन से बाबा? क्रिश्चियंस है वैटिकन सिटी। क्रिश्चियंस जो हैं, उनका भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं, परंतु क्रिश्चियंस में से नास्तिकवाद भी निकल पड़ा, इसलिए रोला पड़ गया। नास्तिकवाद ऐसा निकला जो नरक को मानता नहीं, स्वर्ग को मानता नहीं, इसलिए उतना ज्यादा उनको भक्ति की बातों में विश्वास नहीं रहता। ये हरि भाई पूछना चाह रहे हैं। हाँ। ये गीता लागेट में ऐसा पढ़ा हुआ है कि सूर्यवंशी कभी भी बाप के सरेंडर नहीं हुए, ऐसा एक मुरली में पॉइंट है ऐसा। सूर्यवंशी बच्चे हाँ। कभी बाप के सरेंडर नहीं होते। बाप को सरेंडर नहीं होते। अच्छा, उसका क्लैरिफिकेशन। हाँ, तो इस दुनिया में कोई है ऐसा? नहीं नहीं, जो सूर्य का बनकर के अंत तक रहा हो, जिन्हें अष्ट देवता कहा जाता है, वो अंतिम जन्म में सूर्य के बनकर रहते हैं क्या? सूर्यवंशी बनकर रहते हैं क्या? किसके बन जाते हैं? हा? जो आठ हैं उनमें से जो सात हैं वो भी दूसरे धर्म के बन जाते हैं, और भारत तो पूरा ही नास्तिक बन जाता है। भारत के लिए क्या कहा है? जो अष्ट देवों में से पहला देवता है उसके लिए तो बोला है भारत तो इस समय पूरा ही नास्तिक है। तो जो नास्तिक है वो किसी को सरेंडर होते हैं क्या? है? बाकी रहे सात जो और धर्मों में गिरते हैं, तो जब अष्टदेव ही सूर्यवंशी बनकर के नहीं रहते तो इस दुनिया में सूर्यवंशी रहता कौन है? है? कोई नहीं, सब रावण के वंश के हो जाते हैं। तो सर अंडर में करना पड़े कि नहीं करना पड़े? है? करना पड़े। तो माता जी का प्रश्न है, सत्युग में युगल जो जोड़ी होते हैं उसको ही बच्चे पैदा होते हैं, उसको ही फिर जोड़ा जोड़ी बनाते हैं, उसको जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुगल जोड़ी बनकर ही पैदा होते हैं। हाँ, उसको ही फिर बच्चे पैदा होते हैं, उस जुगल जोड़ी को फिर बच्चे पैदा होते हैं। इसका शूटिंग यहाँ संगम युग में कैसे हुआ है? संगम युग में शूटिंग कैसे हुआ? माना ऐसा हो रहा है ना उधर सत्य, तो उसका तो यहाँ शूटिंग होना ही चाहिए ना, तो ऐसे कब कैसे हुआ? ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है? अकेला बनता है कि दो मिलकर के बनते हैं? तो जैसे वहाँ यहाँ दो मिलकर के बन जाते हैं, दो की बुद्धि मिलकर के एक संस्कार वाली बन जाती है, वैसे वहाँ भी जन्म लेते रहेंगे, साथ ही साथ जन्म लेंगे या लंबे टाइम के बाद जन्म लेंगे? साथ साथ जन्म लेंगे, थोड़ा अंतर होगा। ब्रह्मा तो अकेला होता है और विष्णु दो होते हैं।
और 21 जन्मों तक लगातार साथ साथ जन्म लेते रहेंगे। एक सवाल आया है कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही अपने वाइब्रेशन के अनुसार पिंड तैयार कर लेती है गर्भ में, लेकिन जो बच्चे गर्भ पिंड में ही 2-3 महीने या 2.5 महीने या समय पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनका फिर क्या होता है? उनका जो मृत्यु होता है वो मृत्यु अचानक होता है या कोई बीमारी से होता है? हाँ? पेट के अंदर बीमारी होती है, अचानक मृत्यु हो जाता है, बीच में शरीर छोड़ जाते हैं, वो भी भूत प्रेत बन करके अपना टाइम पूरा करेंगे। और पेट में बच्चा मर जाए ये अनहोनी है या होनी है? अनहोनी हो गई। और ब्रह्मा बाबा को तो आयु तो ज्यादा होता है जब शरीर छोड़ते समय, वो भी भूत प्रेत बन के माना सूक्ष्म शरीर घूम रहे हैं। अकाले मौत माने अचानक मौत हो गई या बीमार थे? हैं? हार्ट अटैक हुआ माने अचानक मौत हुई? माना सहज रीति से शरीर छोड़ा तो वो फिर जन्म लेगा? तो जन्म लेगा, तुरंत आत्मा जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। अगर कुछ बीमारी है तो जरूर बचना पड़ेगा। कुछ बीमारी है ना, बहुतों की तो लंबे समय तक बीमारी चलती है। 2-4-8 दिन बुखार आया हाँ, और फिर शरीर छोड़ दिया, तो बीमारी में शरीर छोड़ना तो आचा अक्सर करके होता ही रहता है। वो भी ऐसा छोड़ गया है, अक्सर ब्रह्मा कुमारियां शरीर छोड़ रही है, क्योंकि उनके कान में एडवांस की बात पहुंच जाती है और उन्हें जच जाती है। है चल।